नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। भ्रष्टाचार की शिकायतों हेतु इस नंबर पर करें संपर्क। आज से दो दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला की शुरुआत। एक्सेस डिमांड चार्ज से पाए ऐसे मुक्ति। आज इसरो के चंद्रयान 3 की होगी लॉन्चिंग। MS धोनी ने फैंस की विश की पूरी। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 400 पदों पर भर्ती। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ऑफिसर के 400 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि बैंक के मानव संसाधन विभाग द्वारा बुधवार 12 जुलाई 2023 को जारी अधिसूचना के मुताबिक ऑफिसर स्केल 2 में 300 पदों और ऑफिसर स्केल 3 में 100 पदों समेत कुल 400 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 13 से 25 जुलाई तक के किए जा सकते हैं। ऐसे में जो उम्मीदवार बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना के अनुसार ऑफिसर स्किल 2 और 3 पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी भी विषय में कम से कम 60% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्गों के लिए अंकों का कट ऑफ 55% ही है। CA, CF और CM उत्तीर्ण उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों के पास स्केल 2 के लिए कम से कम 3 वर्ष और स्केल 3 के लिए न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव भी आवश्यक है। भ्रष्टाचार की शिकायतों हेतु इस नंबर पर करें संपर्क। राज्य में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर लगाम लगाया जा सके, इसके लिए निगरानी विभाग की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। बता दें कि इसी कड़ी में एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। मालूम हो कि निगरानी विभाग के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जुड़ी किसी भी तरह के शिकायतों को करने हेतु जारी किए गए टोल फ्री नंबर 1064 पर संपर्क कर अपनी शिकायतों से अवगत कराया जा सकता है। बता दें कि इस नंबर पर 7 दिन और 24 घंटे शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। वह इस नंबर पर शिकायत करने वाले की जानकारी विभाग के द्वारा गुप्त रखी जाएगी। इसके साथ ही विभाग की ओर से एक फोन नंबर 0612221533 और एक मोबाइल नंबर 7765953216 भी जारी किया गया है, जिस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा ईमेल sbccvd@nic.in पर भी शिकायत बताई जा सकती है, लेकिन कॉल की गई शिकायत के उपरांत लिखित शिकायत की निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार 06 सर्कुलर रोड पटना 801 पर भेजनी होगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुहासिनी मूले के बारे में। सुहासिनी मूले असमिया, बॉलीवुड और मराठी फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन की एक भारतीय अभिनेत्री हैं। उन्होंने 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। 1965 में उन्हें पियर सोप ने अपना मॉडल चुना। यह एक विज्ञापन फिल्म थी जिसने मृणाल सेन का ध्यान खींचा और उन्होंने उन्हें भुवन सोम के लिए साइन कर लिया। हालांकि भुवन सोम भारतीय सिनेमा में मील का पत्थर साबित हुए, लेकिन सुहासिनी ने अभिनय को करियर नहीं बनाया। इसके बजाय उन्होंने मृदा रसायन विज्ञान और सूक्ष्मजीव विज्ञान में विशेषज्ञता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी एक पाठ्यक्रम के लिए मॉन्ट्रियल कनाडा में मैकगिल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने जनसंचार में डिग्री भी हासिल की और उसी विश्वविद्यालय से फिल्म, रेडियो, टीवी, पत्रकारिता और प्रिंट में भी स्नातक किया। सुहासिनी 1975 में भारत लौट आई और बंगाली फिल्म जन अरण्य में सत्यजीत रे के सहायक के रूप में काम किया। बाद में वह मृग्या में सहायक निर्देशक के रूप में मृणाल सेन के साथ जुड़ गई। तब से वह सक्रिय रूप से फिल्मों का निर्माण कर रही हैं और 60 से अधिक वृत्तचित्र बना चुकी हैं। उनमें से 4 के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। भुवन सोम के लगभग 30 साल बाद उन्होंने गुलजार की हुतुतु के माध्यम से मुख्यधारा के बॉलीवुड सिनेमा में शानदार वापसी की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलती है इतनी राशि। बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023 के तहत राज्य के अंदर अवस्थित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों से संचालित विभिन्न 12वीं विद्यालयों, महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट कक्षा एवं अन्य समकक्ष कोर्स करने वाले पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को ₹2000 छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाते हैं। वहीं स्नातक स्तरीय कक्षा एवं स्नातोत्तर कक्षा के अन्य समकक्ष कोर्स के लिए ₹5000, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए
5,000 रुपए, त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक समकक्ष कोर्स के लिए 10,000 रुपए और व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान के अधीन संचालित कोर्स करने के लिए 15,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं राज्य के अंदर अवस्थित केंद्रीय सरकारी संस्थानों तथा स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 75,000 रुपए, अन्य प्रबंधन संस्थान के लिए 4,00,000 रुपए, IIT पटना के लिए 2,00,000 रुपए, NIT पटना के लिए 1,25,000 रुपए, निफ्ट एम्स पटना, केंद्रीय कृषि संस्थान आदि के लिए 1,00,000 रुपए और स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को 1,25,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार में पहली बार जलाशयों से गाद निकालने का शुरू होगा काम। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग की ओर से राज्य के जलाशयों में पानी की संचय क्षमता को बढ़ाया जा सके, इसके लिए तालाबों की सफाई की जाएगी। बता दें कि इस कार्य को करने के लिए जल संसाधन विभाग की ओर से खान एवं भूतत्व विभाग के साथ समन्वय बनाया जाएगा और फिर जलाशयों से गाद निकाला जाएगा। फिलहाल इसको लेकर विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है जब गाद निकालने का काम शुरू किया जाने वाला है। मालूम हो कि सभी जानकारी जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा दी गई है। दरअसल उन्होंने बाद बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सदन में नवीनगर के विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में दिया था। विभागीय कार्रवाई के खिलाफ NHRC पहुंचा TET संघ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज परिवाद में TET शिक्षक संघ के द्वारा शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर उसे असंवैधानिक और गैर कानूनी बताते हुए ऐसे सभी आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है। इनका कहना है कि प्रथम स्पष्टीकरण के जवाब के बाद वेतन कटौती पर निर्णय लिया जाता है। नियोजित शिक्षकों के लिए अब तक लागू 2020 नियमावली में भी वेतन स्थगित करने की कोई प्रावधान नहीं है और एक वरिष्ठ मंत्री की ओर से कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद शिक्षक नेताओं से बात कर उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करेंगे, तो वहीं दूसरी और विभाग की ओर से आंदोलनकारी शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि शिक्षकों में एक अविश्वास की भावना उत्पन्न हो रही है। बता दें कि संघ के द्वारा सुनवाई के लिए दिल्ली में वरिष्ठ वकीलों की टीम से संपर्क किया गया है। ऐसे में अगले सप्ताह इस मामले पर आयोग की सुनवाई होने की संभावना है। आज से 2 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला की शुरुआत। अगर आप भी बेरोजगार है और नौकरी की तलाश में है तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल आज यानी कि 14 जुलाई से 2 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस बारे में IPRD बिहार के द्वारा ट्वीट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर पटना द्वारा 14 और 15 जुलाई को 2 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो राज्य के तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मौका है। ये सभी अभ्यर्थी निजी क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए इस नियोजन सह मार्गदर्शन मेला में सम्मिलित हो सकते हैं। बता दें कि इस मेले के तहत कुल 2,500 रिक्तियों को भरा जाएगा। मालूम हो कि इस रोजगार मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सरकारी ITI दिघा पटना में किया जाने वाला है। इस मेले में सम्मिलित होने के इच्छुक उम्मीदवार https://bit.ly/july2023jobfair पर क्लिक कर विविध प्रपत्र भरकर अपना नामांकन NCS पोर्टल पर अवश्य सुनिश्चित करा ले। KK पाठक ने विद्यालयों का किया निरीक्षण। बिहार के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके, इसके लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक के द्वारा जी तोड़ कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश के तहत अपर मुख्य सचिव के द्वारा अधिकारियों एवं शिक्षकों पर नकेल कसने के लिए कई निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इसी कड़ी में बीते दिन KK पाठक बिहार के जहानाबाद जिला पहुंचे, जहां उन्होंने 2 विद्यालयों का निरीक्षण किया। मालूम हो कि इस दौरान KK पाठक के साथ DM भी मौजूद थे। बता दें KK पाठक के द्वारा जिन 2 विद्यालयों का बीते दिन निरीक्षण किया गया, उनमें पहला स्कूल आदर्श उन्टा मध्य विद्यालय तो वही दूसरा स्कूल गौतम बुद्ध उच्च विद्यालय है। मालूम हो कि इस दौरान KK पाठक के द्वारा घूम कर विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया और साथ ही वहां मौजूद शिक्षकों और छात्रों से बातचीत भी की गई। इन सब के अलावा उन्होंने DM के साथ चर्चा करते हुए कुछ जरूरी निर्देश भी दिए। स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए मिलेगा इतना अनुदान। अगर आप भी उन किसानों में हैं जो स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार सरकार की ओर से स्ट्रॉबेरी की खेती करने वालों को अनुदान दिया जाता है। इस बात की जानकारी खुद उद्यान निदेशालय कृषि विभाग द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर दी गई है। बता दें कि जारी किए गए ट्वीट से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए किसानों को प्रति इकाई लागत का 40% अनुदान के रूप में देगा। हालांकि ये 40% अनुदान किसी किसान को तभी दिया जाएगा जब किसान की इकाई लागत प्रति
हेक्टेयर 1.25 लाख होगी। वैसे किसान जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या इस योजना से जुड़ी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वह http://horticulturebihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे देव सूर्य मंदिर के बारे में। देव सूर्य मंदिर, देवार सूर्य मंदिर या केवल देवार के नाम से प्रसिद्ध यह बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित एक मंदिर है जो देवता सूर्य को समर्पित है। यह सूर्य मंदिर अन्य मंदिरों की तरह पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिमाभिमुख है। देवार मंदिर अपनी अनूठी शिल्प कला के लिए भी जाना जाता है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए इस मंदिर की नक्काशी उत्कृष्ट शिल्प कला का नमूना है। इतिहासकार इस मंदिर का निर्माण का काल 6वीं-8वीं सदी के मध्य होने का अनुमान लगाते हैं, जबकि अलग अलग पौराणिक विवरणों पर आधारित मान्यताएं और जनश्रुतियां इसे त्रेतायुगीन अथवा द्वापर युग के मध्यकाल में निर्मित बताती है। मंदिर में सामान्य रूप से वर्ष भर श्रद्धालु पूजा हेतु आते रहते हैं। हालांकि यहां बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर मनाए जाने वाले छठ पर्व के अवसर पर भारी भीड़ उमड़ती है। यहां लगभग प्रत्येक दिन श्रद्धालु के भीड़ का जमावड़ा लगा होता है, पर खासकर रविवार को यहां दूर दूर से हवन और पूजन करने हेतु श्रद्धालु आते रहते हैं। मान्यता है कि आज तक इस मंदिर से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटा और अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति करने के पश्चात वो यहाँ की कार्तिक या चैत्र के छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ भी समर्पण करते हैं। आज इसरो के चंद्रयान 3 की होगी लॉन्चिंग। आज यानी कि 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा देश के तीसरे चंद्रमा मिशन के लिए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की जाएगी। बता दें कि अगर यह लॉन्चिंग सफल हो जाती है तो भारत ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला 4था देश बन जाएगा। मालूम हो कि इससे पहले जिन 3 देशों ने सफल लॉन्चिंग की थी उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराना है और साथ ही पृथ्वी पर वैज्ञानिकों को चंद्रमा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। बता दें कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 के द्वारा की जाएगी, जिसे पहले GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। एक्सिस डिमांड चार्ज से पाएं ऐसे मुक्ति। अगर आपके घर भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुका है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार सरकार की ओर से पूरे राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाए जा रहे हैं। हालांकि इस मीटर के लगने से उपभोक्ताओं को कई प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा, जिसकी शिकायत आमतौर पर सुनने को मिलती रहती है। मालूम हो कि कई उपभोक्ताओं के द्वारा यह भी शिकायत की जाती है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से उनके बिजली बिल पहले की तुलना में काफी ज्यादा आने लगे हैं। वहीं सबके अलावा अगर आप भी अधिक डिमांड चार्ज से परेशान हो गए हैं तो बता दें कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है कि अगर उपभोक्ता का स्वीकृत भार यदि दर्ज भार से कम होगा तो इस स्थिति में उन्हें एक्सेस डिमांड चार्ज लगता है। ऐसे में से छुटकारा पाने के लिए उपभोक्ताओं के द्वारा अगर मीटर लगने के 6 माह के अंदर खपत के अनुसार लोड बढ़ा लिया जाता है तो वे इस चार्ज से मुक्त हो सकते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और उत्तर के जिलों में बारिश के आसार। बिहार में बारिश जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। इन दिनों प्रदेश के उत्तर के जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। खासकर उत्तर बिहार और कोसी इलाके में मानसून में तेजी देखी जा रही। हालांकि दक्षिण बिहार में बारिश का उतना असर देखने को नहीं मिल रहा। बारिश नहीं होने के कारण लोगों को गर्मी से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार मानसून रोनी रेखा बीकानेर, ग्वालियर, सीधी, गया होते हुए उत्तर पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश की तरफ जा रही है। हालांकि विभाग ने कहा है कि दौरान प्रदेश के सीमांचल के जिलों में बारिश होने की पूरी संभावना है। इस दौरान किशनगंज जिले के एक या दो स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया जिले के एक या दो स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ उत्तरी भागों के जिलों में एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिलों में एक दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। यहां भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। लाइटर और पानी बोतलों के लिए BIS मार्क हुआ अनिवार्य। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत घटिया वस्तुओं के इंपोर्ट को रोकने और इन प्रोडक्ट्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीने योग्य पानी की बोतलों और लौ पैदा करने वाले लाइटरों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब इन दो वस्तुओं का प्रोडक्शन, सेल, बिजनेस, इम्पोर्ट या स्टॉक तब तक नहीं किया जा सकता जब तक इन पर भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS का चिन्ह न लग जाए। वहीं जो व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसे पहली बार अपराध की स्थिति में
2 साल की कैद और साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं अगर वह व्यक्ति 2 बार या उससे अधिक बार अपराध के मामले में पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना न्यूनतम 5 लाख रुपए देने होंगे और अधिकतम माल या वस्तुओं के मूल्य के 10 गुना तक देने पड़ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले महीने केंद्र सरकार की ओर से 20 रुपए से कम कीमत वाले सिगरेट लाइटर के इम्पोर्ट पर भी रोक लगा दी गई थी। राजगीर का प्रसिद्ध मलमास मेला हुआ डिजिटल। 18 जुलाई से बिहार के राजगीर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए मलमास मेले की एक वेबसाइट बनाई गई है जिस पर लाइव दर्शन, IBRS कॉल, फ्लो चैट अस, ऑनलाइन रिजर्वेशन, शिकायत बटन और हेल्पलाइन बटन भी मिलेगा। इसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर 7033261112 भी जारी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जारी किया गया यह वेबसाइट www.malmasmela.in है, जिस पर आकर श्रद्धालु राजगीर टूरिज्म फैसिलिटी बुक, टेंट सिटी, कुंड सिटी कॉम्प्लेक्स जैसी जानकारी ले सकेंगे। इसके साथ ही आप इस वेबसाइट की मदद से सर्किट हाउस की भी बुकिंग कर सकेंगे। भोजपुर के 5 खिलाड़ी ड्रैगन बोट इंटरनेशनल टीम में हुए शामिल। आगामी 7 से 13 अगस्त तक थाईलैंड के पटाया में आयोजित होने वाले 16वें विश्व ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए चयनित 18 सदस्यीय टीम में 5 खिलाड़ी का चयन बिहार के भोजपुर से किया गया है। वहीं 5 चयनित खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी सगे भाई हैं। बता दें कि सभी 18 खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। मालूम हो कि बिहार के भोजपुर के जिन 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है उनमें बिहिया प्रखंड के तेघरा गांव निवासी दीपक कुमार यादव, अमड़ाई नवादा निवासी रितेश कुमार, केवलपट्टी निवासी दीपक कुमार और उदवंत नगर प्रखंड के छोटा सासाराम निवासी 2 भाई रुद्र प्रताप सिंह और रोहित सिंह का नाम शामिल है। बता दें कि अब ये 5 खिलाड़ी 15 जुलाई को पटना से कोलकाता के लिए रवाना होंगे और फिर कोलकाता से इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए अपने अन्य टीम के सदस्यों के साथ थाईलैंड के लिए रवाना होंगे। पैन आधार लिंक नहीं किए जाने पर यह है विकल्प। अगर आप भी उन लोगों में हैं जिन्होंने अपना पैन अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की अंतिम तारीख निकल चुकी है। दरअसल इसकी अंतिम तारीख 30 जून 2023 तक निर्धारित की गई थी। वहीं अब जिन लोगों के द्वारा पैन को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया गया है उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रहना होगा क्योंकि उनके पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिए गए हैं। हालांकि इन लोगों के लिए अब भी विकल्प मौजूद है। बता दें कि आप पैन को आधार से 1,000 रुपए जुर्माने के साथ लिंक करवा सकते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में कम से कम 1 महीना का वक्त लगेगा और फिर उसके बाद आपका पैन कार्ड एक बार फिर से एक्टिव हो जाएगा। बता दें कि अगर आप निष्क्रिय हुए पैन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। पुलिस लाठीचार्ज पर बीजेपी नेताओं का बयान। बीते दिन बीजेपी के द्वारा बिहार सरकार के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में पटना पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई। वहीं सबके बीच एक बीजेपी नेता की जान भी चली गई जिसकी वजह आधिकारिक तौर पर अब तक सामने नहीं आई है। वहीं बिहार बीजेपी सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं किए गए इस लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा अपना बयान दिया गया जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा ट्वीट कर कहा गया कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर पटना में हुए लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा है। महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है। जिस व्यक्ति पर चार्जशीट हुई है उसको बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता तक भूल गए हैं। लाठी गोली की सरकार में लोकतंत्र की आज धज्जियां उड़ गई। ठगबंधन की क्रूर और निरंकुश सरकार ने बिहार की जनता की हक के लिए आयोजित शांतिपूर्ण पैदल मार्च पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले से प्रहार और पानी की बौछार तानाशाही मानसिकता का प्रमाण है। ठगबंधन के हर एक लाठी का जवाब बिहार की जनता देगी। वहीं नित्यानंद राय द्वारा कहा गया कि भाजपा कार्यकर्ता की मौत के जिम्मेदार बर्बर नीतीश तेजस्वी सरकारी युवाओं, महिलाओं, किसानों के अधिकारों के लिए बिहार की बर्बर नीतीश तेजस्वी सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए भाजपा के महामंत्री जहानाबाद विजय सिंह ने अपनी आहुति दे दी। नीतीश तेजस्वी सरकार द्वारा बर्बरता पूर्वक चलवाई गई लाठियों से भाजपा कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत के जिम्मेदार नीतीश सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे फिर भी हम पर लाठीचार्ज किया गया। ये शांति वाला देश है। हम विधानसभा मार्च कर रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया है। नीतीश का यह कैसा लोकतांत्रिक तरीका है। इसके अलावा LJP रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा कहा गया कि सत्ता के अहंकार में चूर मुख्यमंत्री जी की पुलिस ने बिहारियों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे भाजपा के निहत्थे कार्यकर्ता की जान ले ली। बताए ना नीतीश कुमार जी की इन कार्यकर्ताओं का क्या कसूर है। यह बिहार में अघोषित आपातकाल नहीं है तो और क्या है। मैं विजय सिंह जी की दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूँ। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शोक संतप्त परिजनों को धैर्य और दुख सहने का सबल प्रदान करे।
लाठीचार्ज पर तेजस्वी यादव की सफाई। बीते दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा सफाई देते हुए कहा गया कि बीजेपी के मार्च में शिक्षक संघ का कोई भी नेता शामिल नहीं था, ये लोग तो बेकार का हुड़दंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी से कोई बदला नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में पहले ही कह दिया था कि सदन खत्म होने पर सभी शिक्षक नेताओं के साथ इस मामले पर बातचीत की जाएगी। बीजेपी के लोग 10 लाख रोजगार मांग रहे हैं, तो उन्हें बताना चाहिए कि देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ 3 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी के लिए विज्ञापन निकाली गई है। इस सरकार के रहते रहते हम 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य तो पूरा कर ही लेंगे, लेकिन बीजेपी के लोग पहले 2 करोड़ नौकरी का हिसाब दे और देश में जो महंगाई है उसका हिसाब दे। बीजेपी नेता की मौत के बाद सम्राट चौधरी ने की घोषणा। बीते दिन बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार सरकार के खिलाफ निकाले गए विरोध प्रदर्शन में लाठीचार्ज की गई, जिसमें एक बीजेपी नेता जहानाबाद के महामंत्री विजय कुमार सिंह की जान चली गई। हालांकि अब तक इनकी मौत की वजह की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है, लेकिन इनकी मौत से पार्टी में शोक का माहौल है। वहीं इस मामले पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा दुख जताते हुए मृतक के आश्रितों को 10 लाख रुपए की मदद पार्टी की ओर से करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी मृतक के परिवार वालों के साथ हमेशा खड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश को लेकर कहा कि यह लाठीचार्ज नीतीश कुमार के द्वारा जानबूझकर करवाई गई है। विजय कुमार सिंह की मौत के दोषी नीतीश कुमार है, इसलिए उन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। एमएस धोनी ने फैंस के विश की पूरी। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की फैन फॉलोइंग कितनी है। वहीं एक तरफ जहां उनके चाहने वालों की कमी नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर धोनी के दिल में भी अपने फैंस के लिए प्यार की कमी नहीं है। बता दें कि सोशल मीडिया पर धोनी से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपनी फैंस के विश को पूरा करते नजर आ रहे हैं। दरअसल वायरल हो रहे इस वीडियो में अपने फैन की तरह ही धोनी भी फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो में धोनी के फैन धोनी को एक खास तरह का पोज देने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद माही अपने फैन के कहे अनुसार ही पोज देकर फोटो खिंचवाते हैं। वहीं अब धोनी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है और ढेर सारे कमेंट्स भी किए गए हैं। इसके अलावा धोनी के इस वीडियो को देखकर फैन उन्हें डाउन टू अर्थ बता रहे हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1636 में औरंगजेब को दक्कन के वायसराय नियुक्त किया। जयपुर में 1969 को मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन की टक्कर में 85 लोगों की मौत हुई। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल गणेश आगरकर का जन्म 1856 में हुआ था। प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार देशबंधु गुप्त का जन्म 1900 में हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त का जन्म 1902 में हुआ था। प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेताओं में से एक और केरल के प्रथम मुख्यमंत्री ईएमएस नंबूदरीपत का जन्म 1909 में हुआ था। 9वीं लोकसभा के सदस्य के कालीमुत्तु का जन्म 1942 में हुआ था। टेक्नोलॉजी क्षेत्र के दिग्गज और देश के बड़े उद्योगपति शिव नादर का जन्म 1945 में हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक मदन मोहन का निधन 1975 में हुआ था। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री लीला चिटनेस का निधन 2003 में हुआ था। वेलकम मैच हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के एक अपमानजनक वीडियो का केरल राज्य से होने के दावे के साथ साझा किया जा रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह वीडियो पुराना है, यह वीडियो केरल राज्य का नहीं है। ऐसे भ्रामक संदेश वीडियो शेयर न करें। जीमेल में गूगल ने जोड़ा यह शानदार नया फीचर। गूगल ने जीमेल में कैलेंडर टूल जोड़ना शुरू किया है, जिसकी मदद से आप आसानी से मीटिंग को क्रिएट, शेयर या शेड्यूल कर सकते हैं। इस नए फीचर की मदद से आप जीमेल में ही नई मीटिंग को क्रिएट कर पाएंगे, जिससे आपका काफी समय बचेगा और मेहनत भी कम लगेगी। कैलेंडर आइकॉन में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक क्रिएट एन इवेंट है और दूसरा ऑफर टाइम्स यू आर फ्री है। ऑफर टाइम्स यू आर फ्री एक नया फीचर है, जिसकी मदद से यूजर्स किसी मीटिंग डिटेल्स को कैलेंडर से सीधे जीमेल में ला सकते हैं। इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को ईमेल लिखते या उसका उत्तर देते समय बस कैलेंडर आइकन पर क्लिक करना है और वहां से ऑफर टाइम यू आर फ्री का चयन करना है। ऐसा करते ही कैलेंडर साइड बार में खुल जाएगा और यहां से आप प्राप्तकर्ता के साथ साथ अलग अलग दिनों और समय स्लॉट को हाईलाइट कर मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे ही रिसीवर किसी एक समय को चुनेगा तो अपने आप एक इनविटेशन उन्हें मिल जाएगा। नया फीचर उन ग्राहकों, भागीदारों या लोगों के साथ मीटिंग तय करने में मदद करता है जिनका गूगल कैलेंडर आपको दिखाई नहीं देता। नितेश तिवारी रामायण पर बनाएंगे फिल्म। कुछ दिनों पहले ही ओम राउत के निर्देशित फिल्म आदि पुरुष को लेकर हुई कंट्रोवर्सी से अब रामायण पर आधारित फिल्म बनाना फिल्म मेकर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी नितेश तिवारी रामायण पर आधारित इस तरह की फिल्म बनाने के लिए तैयार है, जिसका खुलासा उन्होंने जूम एंटरटेनमेंट को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर मैं खुद से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मेरे कंटेंट से अगर मैं आहत नहीं हो रहा हूं तो ये किसी को ठेस नहीं पहुंचाएगा, न ही मैं फिल्म को लेकर कोई
सफाई पेश करूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी चर्चा है कि नितेश तिवारी की रामायण पर आधारित इस फिल्म में रणवीर कपूर राम और आलिया भट्ट सीता के रोल में नजर आ सकती हैं, लेकिन एक रिपोर्ट से यह भी सामने आया है कि आलिया भट्ट की जगह साउथ एक्ट्रेस साइपल भी नजर आ सकती हैं। हालांकि अब तक कास्ट को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ सामने नहीं आया है। मालूम हो कि नितेश तिवारी की इस फिल्म की अनाउंसमेंट इस साल दिवाली पर की जा सकती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर दें। हमारा पहला सवाल है, भारत का पहला आईआईटी कैंपस तंजानिया के किस शहर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए युगांडा, ऑप्शन बी बुरुंडी, ऑप्शन सी मलावी, ऑप्शन डी जंजीबार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जंजीबार। दूसरा सवाल, स्टार्टअप 20 की मसाल भारत ने किस देश को सौंपी है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ब्राजील है। हमारा तीसरा सवाल, चंद्रयान 3 भारतीय अनुसंधान परिषद द्वारा कब लॉन्च होने वाला है? ऑप्शन ए 14 जुलाई, ऑप्शन बी 14 अगस्त, ऑप्शन सी 28 जुलाई, ऑप्शन डी 28 अगस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 14 जुलाई। चौथा सवाल, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी कोड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संथाल। हमारा पांचवा सवाल, बिहार एक भारतीय राज्य के रूप में किस साल बना? ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1936 में, ऑप्शन डी 2000 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1936 में। बीते दिन मदर पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने मदर पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अंकुल कुमार, सरदानंद झा, कुमार चंदू, पंकज कुमार दास, नोगोलू कुमार, सूरज कुमार, विजेंद्र सिंह, बद्री कुमार, उदय कुमार पासवान, किरण यादव, अतीक खान, सदुल्लाह पलवी, हरदेव कुमार, सोनू सिंह, नरेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के इस सवाल की ओर। आज का सवाल है, बीते दिनों विधानसभा मार्च में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।